Point number 4. Oh, where are you going? अरे तुम कहां जा रहे हो? Written by W.H. Auden. Questions answers. What kind of feelings does the poet create in the minds of the readers? शायर पढ़ने वालों के ज़हन में किस तरह की फीलिंग्स यानी जज्बात पैदा करता है? द पोएट क्रिएट्स द फीलिंग्स दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड. शायर हमारे जहनों में इस तरह की जज्बात पैदा करता है कि हमें दुनिया की मुश्किलात से नहीं डरना चाहिए. ट्रबल्स का मतलब मुश्किलात. वी शुड बी रेडी टू टेक बोल्ड स्टेप्स. हमें बहादुराना कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए. What do you feel after reading the poem? नज्म पढ़ने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? We feel excited and thrilled. हम बहुत ही ज्यादा पुरजोश महसूस करते हैं. We get ready to face the challenges of life. हम जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं. What does the title of poem signify? पोएम का जो उन्वान है, टाइटल है, वो किस चीज की तरफ इशारा करता है? द टाइटल ऑफ द पोएम सिग्निफाइज अ सेंस ऑफ अलार्म. इस नज्म का उन्वान एक सेंस ऑफ अलार्म पैदा करता है, यानी खतरे की घंटी बजाता है. वी फील दैट वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. हम ये महसूस करते हैं कि हम एक गलत सिमत में जा रहे हैं. What kind of man the rider is? Rider जो है वो किस किस्म का आदमी है? Rider इस poem में एक character है. The rider represents brave men. ये rider बहादुर इंसानों की नुमाइंदगी करता है. They are ready to take bold steps. वो बहादुराना इकदाम या बहादुराना कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं. What is the main idea of the poem? इस नज्म का मरकजी ख्याल क्या है? We should not be afraid of the troubles of the world. हमें जिंदगी की मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए. We should be ready to take bold steps. और हमें बहादुराना इकदामात करने के लिए तैयार रहना चाहिए. Please subscribe to my channel. Thank you so much.